For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. Star Plus का पॉपुलर फैमिली ड्रामा शो ये मोहब्बतें जुड़ी हुई छोटी से बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचाते ही रहते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ आप देखेंगे सीरियल के आज के एपिसोड में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सीरियल के पिछले एपिसोड की, जहां आपने देखा कैसे रूही अपने लिव इन रिलेशनशिप वाली बात को पूरे भल्ला परिवार से छुपाती हुई नजर आती है, जहां अभी तक उसने इस बात के बारे में अपनी दादी और साथ ही साथ अपने दादा को नहीं बताया है। जिसके बाद हर बार की तरह इस बार भी इशिता रूही को समझाती हुई नजर आती है और रूही इस बार मान भी जाती है। जिसके बाद आपने देखा कि कैसे रूही पहुंच जाती है निखिल के पास, लेकिन उसी वक्त परम भड़का रहा होता है निखिल को भल्ला फैमिली के खिलाफ। जिसके बाद आपने देखा कि कैसे रूही भी लिव इन रिलेशनशिप में आने से मना कर देती है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे परम अपनी घिनौनी चालों को अंजाम दे देता है और साथ ही साथ इस बात का पता चल जाता है मिसेस भल्ला को। जिसके बाद मिसेस भल्ला को जैसे इस बात के बारे में पता चलता है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर साथ ही साथ आपने भी देखा कि कैसे हर बार की तरह इस बार भी सिमी इशिता पर झूठे झूठे आरोप लगाती हुई नजर आती है। जिसके बाद अब आप इस सीरियल के आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि कैसे बहुत ही जल्द रूही और निखिल करने वाले हैं शादी। जी हां, सीरियल के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे रूही कर देगी अपनी शादी का ऐलान, जिसके बाद भल्ला परिवार का एक एक मेंबर इसके फैसले को सुनकर चौंक जाएगा। फिर अगर सच में हो जाएगी रूही और निखिल की शादी, इस बात की जानकारी हम आपको बहुत जल्दी देंगे। तब तक के लिए बन रही हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से अमित की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।